ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਬੰਗਾਲ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ, ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ, ਬੋਲੋ ਗੋਰਖ ਜਤੀ, ਬੋਲੋ ਸਾਚੀ ਦਰਬਾਰ, ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਦਾ, ਬੋਲ ਸਾਚੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਪਿਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿਲਾ ਨਹੀਂ ਛਿੜੇ ਹੋਏ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਅਬ ਕਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਅਭੀ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੇ ਪੜ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿੱਟਾ ਤੋ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੇ ਕਰਮ ਚਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੇ ਚਲਾ ਹੋਇਆ ਥਾ ਬੇਟਾ ਕਰਮ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਬੰਗਾਲ ਕੀ ਜੈ। अरे भाई धक्के तो बहुत खा ली थे ना माता, बहुत इतने छोटिया। अरे ये तो तेरे पेशी में तो कोई माता बता रहा है, कोई बाबा बता रहा है, सब तेरा लगता है। बच्ची आगे प्रेत है और पीछे शक्ति है, आप ठीक करो माता। ठीक है बच्चे, कि जब तक ये प्रेत नहीं ठीक हो देखा ना बेटा, तब तक ये परिस्थितियां ठीक नहीं होने की, समझ गया। हाँ एक बात और याद रखना बेटा, अगर तेरे वचन तेरे मुख से दूसरे के लिए जो निकलेगा वो सत्य निकलेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। निकलता है बेटे, बिल्कुल सच निकला जी, जो जिस तक है धुआं पूरी होगा उसके। अरे अपने हाथ धोंदा फिर रहा माता जी, उनकी तो पूरी हो जाए, हमारे घर में जाम लग जाए, काम भी बंद हो जाए, बीमार भी हो जाए। बेटा इस चीज का आपको वचन देना पड़ेगा कि जब तक गुरु का वरद हस्त नहीं होता तब तक ये प्रेत नहीं करता, तब तक आप अगर किसी को बताओगे तो आपके घर में नुकसान होगा बेटा इस चीज। ठीक है, ठीक है, 10 दिन तो वाह और 10 दिन नाना। बेटे की बीमारी निकट नहीं रही, दूसरे के आगे प्यार हो रही है, और बीमारी भी छोटी मोटी नहीं होती है बेटा, वो छोटा आकार लेगी फिर वो बड़ा आकार ले लेती है वो बीमारी है। ठीक है बेटा, बच्चे अपने सारे परिवार का नाम बोल। पिताजी का नाम सुदर्शन कुमार है जी, भाई का नाम संदीप कुमार है जी, ਬਾਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜੀਵ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੀ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਕੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਟਾ ਸਰੀਰ ਪੇ ਬਾਹਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਰ ਮੇਂ ਜੈਸੇ ਕੰਪਨ ਸੀ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜਬ ਮੈਂ ਬੈਠਤੀ ਹੂੰ ਨਾ ਥੋੜੀ। ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਔਰ ਅਬ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤਾ ਜੈਸੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਤੀ ਹੂੰ। ਭਾਈ ਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਔਰਤ ਕਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ, ਘਬਰਾਹਟ ਕਿਸ ਕੋ ਹੋਤੀ ਹੈ ਯਾ? ਘਬਰਾਹਟ ਤੋ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਹੀ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਤਾਓ, ਦਰਬਾਰ ਆਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਸੇ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਹੁਆ ਥਾ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਰਾਤ ਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਪੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਥਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਥਾ ਜੀ, ਯਹਾਂ ਆਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਤਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਰੱਖੀ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਾ ਦੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਬੰਗਾਲ ਕੀ ਜੈ। ਮਾਤਾ
ना शरीर के दर्द नहीं जा रहे, हाथ ना खोल के रखे, पेट में दर्द रहा, दोनों हाथ खोल के रखे, हाथ मत छोटी गुड़िया को भी हो गया, छोटी गुड़िया को भी है जी। बेटे सिर के बाल किसके टूट रहे हैं? बस वैसे जड़ रहे हैं। हां हां गुड़िया के ही ज्यादा मेरे भी जड़ रहे हैं। और भय किसको महसूस होता है? बुढ़ापा किसको लगता है? कई बार डर जाते हैं। गुड़िया डरी थी जी, छोटे वाली थी, 5-6 दिन हुए जी। फिर माता की चुनरी नारियल वगैरह रात को दे के आए हैं, तब से कह रही है दर्द थोड़ा ठीक है मेरा, उसके सिर में दर्द हुआ था एकदम, और जैसे दे के आए तो मेरे को ऐसे बुखार हो गया जैसे सिर में दर्द। भाई नीचे आसन कौन लगाया करे था थारा है? हाँ जी आसन कौन लगाता था नीचे? आसन जमीन पे ही बैठ के करते हैं हम धूप बत्ती। बच्चे एक औरत दिख रही है, जवान मृत्यु हुई हुई है जवान जी। हाँ माता ध्यान नहीं है जी। बेटे तेरे घर में मौत हुई थी क्या? हाँ जी मम्मी के लिए। उसके बाद में पाठ कराए थे? पितरों के भी करवाए थे जी, वैसे हम भी करवाए थे, कराए थे। हाँ जी भाई मेरे को एक बात बता जी, जो तुम्हारी माता जी उनको छाती पे दबाव महसूस होता था? मेरी मम्मी के लिए हाँ सेवा लगी हुई है ना, करते ही रहते हो पीर की सेवा? वहाँ तो जब जाती हूँ जब जाती हूँ, लेकिन यहाँ पे अब पीर पीर की सेवा कर रहे हो ना? पीर कि पीर की सेवा कर रहे हो? बच्चे काम करना, चार्ज पे लगवाई पीछे किसी को भी दे दो। गोरख का चार्ज है, गोरख 40 का पाठ करना है 12 एक लाइट नहीं आती उसमें ठीक है, तो लाइट आ गई होगी। और एक काम और करना, शाम का समय लाइट आ गई होगी, चावल लेने हैं 2 उनको आप लाल कर लेना चावलों को के साथ। हाँ और 5 पताशे लेना, 5 लौंग लेना, 7 बच्ची के और अपने परिवार के ऊपर गुब्बारे के बच्चे उसको माँ के दरबार में रखे ठीक है बेटा? माँ काली माँ हाँ ठीक है, ये रख के आवाज मैं रख लूँ। अरे भाई एक महात्मा दिख रहा है, कौन मानता था महात्मा? 7 बार की बाबा दिख रहा है कोई बगवे में जी? हाँ बच्चे बगवे में तो मम्मी जाए कर रहे जी, वहां से मैं धूनी से लिया गया हूँ जी। तो कितने दिन हो गए बेटा वहां गए हुए? मैं तो जब कह रहा हूँ मैं तो कभी गया ही नहीं जी। बच्चे संत दिख रहा है, वहां दरबार में जाके आओ ठीक है, क्योंकि महात्मा खड़ा है गेट पे। एक हनुमान जी के वहाँ भी आप जाते जी। बेटा मेरे सामने जो आएगा या तो बच्ची आप ही बता ले या मैं ही बता दूंगी बेटा ठीक है जी। माता जी ये कौन से हैं वो पूछना है, क्योंकि ये एक ना यहाँ भी जाते थे ना ये भी जाते फल लगाऊंगा जी हमारे पास, वहाँ पे हनुमान जी के सेवादार थे उसके पास भी गया हूँ जी। ये तो तुम्हारी माता जी से ही जुड़ी हुई बात ठीक है जी, फिर ये वही है ये तुम्हारी से जुड़ी हुई बात है ये बेटा। एक बार वहाँ दरबार में मत्था टेक के आओ,
ठीक है, वहां रोट लेके जाना बेटा, पांच छोटे छोटे रोट बनाना देसी घी के, वो मत्था टेक के बेटा वहां नवा के मत्था, जो वहां महात्मा है जो तेरे श्रद्धा से तेरे हाथ से जो भी दान हो वो दान देके, तो बेटा फिर दरबार आई। ठीक है, पीर की सेवा तेरी अच्छी लग रही है, वहां महात्मा का मत्था टिकने के बाद तेरे को राम दिखना शुरू हो जाएगा, उसके बाद बच्चे दरबार में। ठीक है बेटा, और दूसरी बात एक काम करना जो मैंने अभी बताया, माता का ये कर्म करने के बाद शनिवार को फिर दरबार में। ठीक है, शनिवार को आना, इतवार को, रविवार को ही लगता है। बोल मेरे कोट बंगाल की जय। माता की आगे जाए।